हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं कल्याण स्वागत करता हूँ आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल नंदा में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ आज हम बात करने वाले हैं वॉशिंग मशीन, जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है, वो आखिर होता कैसा है, उसका यूज हम कैसे करेंगे, उसका पूरा डिटेल्स में आज हम बात करने वाले हैं लाइव प्रोडक्ट के साथ। दोस्तों, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे। साथ में अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किए नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था वॉशिंग मशीन बाइंग गाइड, उसमें खाली मैंने आपको जस्ट वीडियो में बताया था कि वॉशिंग मशीन कैसा है, मतलब किस तरह का होता है, कितना टाइप का होता है, लेकिन आज मैं एक एक चीज़ को पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, साथ में वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज चैनल को वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट हम स्टार्ट करने वाले हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे सामने अभी एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। यह है LG ब्रांड का है, 11 केजी का वॉशिंग मशीन है। और इसका सबसे पहले ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आखिर होता कैसा है, उसके बाद हम मॉडल के ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों, उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, जो भी कुछ आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसका मैं एक क्रेडिट देना चाहता हूँ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जगन्नाथ इलेक्ट्रॉनिक शोरों को मैं मतलब तहे दिल से क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बदौलत ये सारे वीडियो मैं आपके लिए आता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है आपको 11 केजी का सेमी ऑटोमेटिक है LG का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे वॉशिंग मशीन जो सेमी ऑटोमेटिक होता है वो आखिर होता कैसा है, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दो कंपार्टमेंट होता है। जैसे कि ये आप कंपार्टमेंट एक देख सकते हैं, ये मैंने इसको निकालता हूं, तो ये जैसे देख सकते हैं, ये होता है इसका वॉशिंग कंपार्टमेंट। इस साइड में आप इस कपड़ा वगैरह धोने के लिए डालेंगे, और ये दूसरे साइड में होता है जो कि स्पिनिंग सुखाने के लिए होता है। ये तो इसको देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सील वगैरह ओपन कर देते हैं, तो देख सकते हैं इस साइड में जो होता है ये आपको कपड़ा वगैरह सुखाने के लिए, इस साइड में कपड़ा धोने के बाद ये इसमें कपड़ा सुखाने के लिए होता है। तो ये वॉशिंग साइड हो गया और ये स्पिनिंग साइड हो गया। तो दोस्तों, खास करके सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दो तरह का कंपार्टमेंट होता है, एक में वॉशिंग के लिए यूज होता है और एक स्पिनिंग के लिए यूज होता है। उसके साथ साथ दोस्तों, ये जो स्पिनिंग होता है इसमें कपड़ा सुखाते हैं, मतलब ये 60-70% सूख जाता है, जैसे कि कपड़े को निचोड़ देता है, और एयर ड्रायर के साथ। दोस्तों, इसको हम बंद कर देते हैं, और उसके साथ फ्रंट के पैनल के ऊपर अगर जाते हैं, आप देख सकते हैं आसपास कोई भी ब्रांड आप लेते हैं, ये जो बटन मिलता है आपको चार, ये इधर दो, या कोई कोई वॉशिंग मशीन में तीन बटन मिलता है, ये जो नॉब होता है, तीन नॉब आपको मिलता है यूज़ करने के लिए, या चार नॉब मिलता है यूज़ करने के लिए। ये जो चार नॉब होता है इसका काम क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं, उससे पहले इधर एक सिलेक्टर होता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर सिलेक्टर करके लिखा हुआ है, मैं थोड़ा नज़दीक में लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको वॉश का ऑप्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ है, इसको अगर ऐसे हम करेंगे यहाँ पे स्पिन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके साथ इसका थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये वाटर इनलेट के लिए दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें आपको क्या करना है, अगर आपके घर में टैप का सिस्टम, टैप वगैरह है, पानी का फैसिलिटी, टैंक वगैरह फिटिंग है पानी, इसमें आप डायरेक्ट दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी डायरेक्ट इसमें भी डाल के वॉशिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो गया वाटर इनलेट का। उसके बाद हम बात करेंगे ये जो सिलेक्टर का। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जैसे ही हम ये जो आपको देख सकते हैं, इसको पूरा ये साइड लेके आते हैं, ये सिलेक्टर को, यहाँ पे आपको वॉश का ऑप्शन दिख जाता है। तो फिर जैसे हम इधर करेंगे, इसका जो स्पिन का ऑप्शन चालू हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम वॉश में रखें, अगर हमको सबसे पहले कपड़ा धोना है, तो यहाँ पे हम सारे कपड़े को डाल देंगे, डालने के बाद यहाँ पे वॉश का ऑप्शन चूज कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सोक टाइमर है, वॉश सिलेक्ट है। दोस्तों, वॉश सिलेक्ट को पहले हमको चूज करना है, नॉर्मल में वॉश करना है, या स्ट्रांग है, या जींस है, जेंटल है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, नॉर्मल वगैरह जो होता है, आप कोई भी कपड़ा, सारे मिक्स वाले कपड़े होते हैं, रेगुलर यूज वाले कपड़े, ये सारे आप नॉर्मल में डाल सकते हैं। स्ट्रांग वगैरह में आप बेडशीट हो गया, या कोई टाइप का जीन्स हो गया, ये सारे टाइप का मोटा कपड़ा जो होता है, ज़्यादा गंदा हुआ है, ये साइड में आप डाल के धो सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये है जेंटल। जेंटल में आपको क्या होता है कि जो कि पूरा नरम टाइप का कपड़ा होता है,
तो ये हो गया आपका जेंटल। जेंटल में आपको हर तरह का जैसे कि जो स्टोन वगैरह लगा हुआ साड़ी रहेगा वो जो कि पूरा मतलब जो होता है स्मूथ वाला कपड़ा, इसमें आपको धोना ये मतलब धो सकते हैं। तो ये जो आपके हिसाब से ये प्रोग्राम चूज करने के बाद यहाँ पे टाइमर दिया हुआ है, ये टाइमर को आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद मशीन ये जो इसका ढक्कन है ढक्कन को दे देना है और मशीन ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद अगर आपका वॉशिंग ख़त्म हो गया तो उसके बाद आपको ये जो बटन है इसको फिर ये बाजू ले आना है स्पिन के तरफ। फिर यहाँ से आपको आधा आधा करके जितना आपका इसमें जगह ले सकता है उतना लेकर आपको क्या करना है स्पिन भी कर सकते हैं। उससे पहले और एक बात बताना चाहूँगा, जो कपड़ा धोने के टाइम जो आपका पानी है उसको खंगालने के लिए आप यहाँ पे वॉश रिंस का ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ ड्रेन भी कर सकते हैं। ये हो गया, इसके साथ ये जो टाइमर वगैरह होता है इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। टाइमर में आपको स्पिन का काम करेगा, कितना टाइम का स्पिन करना रहेगा, ये पूरा सारी चीज़ इसमें आता है। ये पूरी मैनुअल होता है जो कि कोई भी जो यूज़ करते हैं कोई भी यूज़र को यूज़ करने के लिए काफ़ी ईजी रहता है दोस्तों, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपके घर में अगर पानी वगैरह का भी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, पानी टाइम पे आता नहीं है, अगर आपको बकेट में डाल के भी धोना है वो धो सकते हैं। ये जो LG का वॉशिंग मशीन है इसका थोड़ा सा डिटेल मैं बता देता हूँ, बाकी मैं पूरा नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। दोस्तों ये जो होता है LG का रोलर जेट पल्सेटर होता है, ये इसका पेटेंट टेक्नोलॉजी है, ट्रेडमार्क वाला फीचर्स होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी वॉशिंग मशीन में जो पल्सेटर होता है इसमें 6 टाइप का पल्सेटर होता है, ये आप देख सकते हैं, ये जो पल्सेटर विद ये रोलर जेट पल्सेटर, इसके साथ यहाँ पे लिंट फिल्टर होता है। इसका क्या काम क्या चीज़ हो सकता है इसका पूरा डिटेल्स मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर करने के लिए ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छा अच्छा वीडियो लेके आ सकूं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।